गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज आवर लास्ट वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड वी आर डूइंग सम ऑल्सो सम एग्जाम्पल्स. नाउ टूडे वी आर टू स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 3 फर्स्ट क्वेश्चन. एंड स्टूडेंट, दोज स्टूडेंट स्टिल नॉट सी द प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट सी द प्रीवियस वीडियो, देन वी हैव टू सी दिस वीडियो, अदरवाइज इट विल कन्फ्यूजिंग फॉर यू. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट सी द प्रीवियस वीडियो, देन बेसिक वीडियो, देन वी हैव टू सी दिस वीडियो. ओके, नाउ क्वेश्चन इज फैक्टराइज द पॉलिनोमियल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? फर्स्ट वी टू कंपेयर. ऑन कंपेयरिंग पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x² - 4 विथ ax² + bx + c, फर्स्ट वी हैव टू कंपेयर. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ए हियर? यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है. सो व्हाट इज द वैल्यू ए हियर? 1. व्हाट इज द वैल्यू बी हियर? एक्स हियर, एक्स. व्हाट इज द वैल्यू बी हियर? -3. ठीक है, एंड व्हाट इज द वैल्यू सी हियर? अब यहाँ पे सी देखो, सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -4. अगेन आई एम सेइंग दोज स्टूडेंट्स नॉट सी द प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट सी द प्रीवियस वीडियो, देन यू हैव टू सी दिस वीडियो. ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर तो ए की वैल्यू 1, हियर एक्स, हियर एक्स, तो बी की वैल्यू क्या होगी? -3. हियर सी, और यहाँ हो गया -4. आफ्टर दैट व्हाट वी टू मेक हियर? वी हैव टू मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बाय सी. 4 × (multi) आ जाएगा -4. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -4. ठीक है, नाउ यू आर टेकिंग द एलसीएम. एलसीएम को तो क्या होगा सर? यहाँ पे टेकिंग पॉजिटिव एलसीएम, 2 × 4 = 2 × 1 = 2. ठीक है, तो यहाँ पर आ गया, तो आपका एलसीएम में क्या क्या आ गया? आपका 2, 2, 2. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर्स वी हैव टू स्प्लिट द मिडिल टर्म ऑफ दिस वन. तो आपके पास क्या है? x² - 3x - 4, यही तो है. हाउ वी हैव टू स्प्लिट दिस वन? अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 × 2 = 4, यहाँ लिख लो. ठीक है, 2 × 2 = 4, और यहाँ पे 4 और ये 1 है. ठीक है, 2 × 2 = 4, और यहाँ पे 1. तो 4 - 1, देखो अगर ऐड करोगे तो क्या होगा? या तो एदर वे टू ऐड और वे टू सब्ट्रैक्ट. तो ऐड करो, 4 + 1 = 5. यहाँ पे 5 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है. देन वे टू सब्ट्रैक्ट 4 - 1, यस इट मेक्स 3. तो व्हाट वी राइट? या तो ऐसा लिखोगे 4 - 1, ये 3 आएगा, या तो आएगा -4 + 1, ये आ गया -3. सो व्हाट विल टेक? 4 - 1 = 3 और -4 + 1, ऑब्वियस क्वेश्चन ये लोगे. क्या लोगे? -4 + 1. वाई? बिकॉज -4 + 1 इट मेक्स -3. ठीक है, फिर आफ्टर डैट राइट हियर x², तो यहाँ क्या लोगे? -4x + x -4. नाउ सी हियर, नाउ सी वन स्टेप, -4x + x क्या आएगा? -3x. यस, इज इट इज करेक्ट, एकदम सही है. ठीक है, ये आपके लिए रफ के लिए था, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, रफ फॉर यू. ठीक है, यहाँ तक हो गया. नाउ इन दिस बिटवीन विच वन इज कॉमन हियर? यहाँ भी x² है, यहाँ पे x है, तो मेक कॉमन x. बचेगा क्या? x - 4. ठीक है ना, x × x, x² × 4, 4x. आफ्टर दैट व्हाट आई एम सेइंग, जो x - 4 है, पुट हियर x - 4 एज इट इज, हियर टू पुट हियर. कर दिया पुट x - 4. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस x, विल गेट x. यहाँ पे x पे क्या मल्टीप्लाई करें कि वो x आ जाए? तो ऑब्वियस है स्टूडेंट्स, क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 1 मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियर है? तो ठीक है ना, देखो 1 × x, x, 1 × 4, 4, एग्जैक्ट. ठीक है, तो एक नेक्स्ट स्टेप अगर आप चाहते हो तो यू हैव टू सी द प्रीवियस स्टेप, वेदर इट इज बोथ करेक्ट और नॉट. तो ये सही है. और यहाँ पर देखो x - 4 नहीं आ रहा, x - 4 मेक कॉमन x - 4, और यहाँ पे आ गया x + 1. सो फैक्टर इट इज x - 4 and x + 1. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, इजी है. नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन, x² + 2x + 1. फॉर द क्वेश्चन ऑन कंपेयरिंग पॉलिनोमियल x² + 2x + 1 विथ ax² + bx + c, ये तो करते हैं. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए हियर? x², यहाँ भी x², तो x² के सामने क्या हो सकता है? 1. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² हियर? ऑल्सो x², तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए हियर? 1. हियर x, हियर x, सो व्हाट इज वैल्यू बी हियर? 2. एंड यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या है? 1. सो ये सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1. ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू मल्टीप्लाई इनटू सी, तो क्या आ जाएगा?
वन मल्टीप्लाई बाय वन, तो वन मल्टीप्लाई वन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वन ही आएगा, प्रॉब्लम नहीं है। एलसीएम निकालने की जरूरत है नहीं, वाई बिकॉज वन का एलसीएम निकालोगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, इसमें क्या करें स्टूडेंट, देखो यहाँ पे ये वन ही तो है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स, ये बहुत ईजी है, कुछ करने की जरूरत नहीं यहाँ पे, ठीक है। हाउ वी टू राइट एक्स प्लस एक्स, यस यू टू राइट यहाँ पे वन, ठीक है ना। उसका टर्म क्या है, एक्स वन है तो वन को क्या ले लिया, एक्स ले लिया, तो एक्स प्लस एक्स टू एक्स, नो प्रॉब्लम। हम एक कॉमन हियर एक्स एक्स प्लस वन, ठीक है। वेन यू टू राइट दिस एक्स प्लस वन, यू टू राइट सिंपली एक्स प्लस वन, वी स्क्वायर टू मल्टीप्लाई बाई एक्स, विल गेट एक्स ऑब्वियस स्टूडेंट्स वन। अब देखो यहाँ पे एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स एक्स, वन इंटू एक्स एक्स, वन इंटू वन वन, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स प्लस वन, यहाँ पे एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन और ये आ गया एक्स प्लस वन, सो दिस इज योर आंसर। ओके इजी था, नाउ सी द थर्ड वन, नाउ थर्ड इज होमवर्क फॉर यू, अपन सॉल्व करते हैं फोर्थ, ठीक है। सो फोर्थ सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन है आपका, ठीक है ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फिफ्टीन, ठीक है। नॉट डायरेक्टली आई एम सेइंग, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कंपेयर करना है, वे टू कंपेयर, किसे कंपेयर करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी से, इसी से करोगे। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए हियर, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन, एक्स स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन, एक्स एक्स, सो व्हाट इज आवर बी माइनस एट, एंड व्हाट इज वैल्यू हियर फिफ्टीन, ये तो करते हैं। आफ्टर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई ए इनटू सी, ए मल्टीप्लाई बाय सी, वन मल्टीप्लाई बाय फिफ्टीन, ओके। आफ्टर टेकिंग एलसीएम, एलसीएम निकालो, फिफ्टीन थ्री फाइव जो फिफ्टीन, फाइव वन जो फाइव, तो आपके एलसीएम के फैक्टर्स क्या क्या आ गया, या फैक्टर्स बोल रहे हैं एलसीएम बोल लो, ठीक है। तो आपका आ गया ऐसा लिख लो वन कॉमा थ्री कॉमा फाइव, ऐसा लिख लो, या फाइव कॉमा थ्री कॉमा, यू हैव टू राइट एज यू वॉन्ट, ऐसा लिख लो वन थ्री कॉमा फाइव। सो आफ्टर दैट वॉट वी हैव टू मेक, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय, वी हैव टू स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फिफ्टीन, नॉर्थ ईयर थ्री वन ज़ा, यहाँ पर रफ कर लेते हैं, थ्री वन ज़ा थ्री, और यहाँ पे क्या है फाइव, नाउ टू ऐड दिस वन, थ्री प्लस फाइव, यस इट मेक्स एट। अब देखो थ्री माइनस फाइव माइनस टू, तो ये तो गलत हो जाएगा, माइनस एट यहाँ पे क्या, थ्री प्लस फाइव इट मेक्स एट, सो हाउ वी हैव टू राइट, थ्री प्लस फाइव वी हैव टू राइट एट, और वी हैव टू राइट थ्री माइनस फाइव, माइनस थ्री माइनस फाइव, हाउ वी हैव टू राइट माइनस एट, विच वन यू हैव टू राइट, दिस वन और दिस वन, ऑब्वियस स्टूडेंट दिस वन, वाई बिकॉज यहाँ पे क्या है माइनस एट, माइनस एट, तो वी हैव टू टेक दिस वन। तो एक्स स्क्वायर निकलो ऐसा, माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस फिफ्टीन, ठीक है। माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स क्या होगा, माइनस एट एक्स, मतलब देखो सुन, कुछ भी अपन नया स्टेप लिखेंगे ना, तो एक बार जरो पीछे एक बार मुड़ के देख लेना वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स, यस इट इज़ करेक्ट। इन दिस बिटवीन व्हाट इज कॉमन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो मेक कॉमन एक्स माइनस थ्री एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू थ्री थ्री एक्स, सही है। सो आफ्टर सेइंग इसके बाद क्या बोलते हैं अपन, एक्स माइनस थ्री हैव टू राइट एक्स माइनस थ्री, डायरेक्टली हैव टू राइट एक्स माइनस थ्री, लिख दिए जो भी यहाँ पे एक्स माइनस थ्री आएगा डायरेक्टली हैव टू राइट एक्स माइनस थ्री। अब बताओ व्हाट वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर, तो विल गेट फाइव एक्स माइनस फाइव, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, x पे क्या मल्टीप्लाई करें कि आ जाए माइनस फाइव आ जाए, तो ऑब्वियस स्टूडेंट्स माइनस फाइव करोगे, ठीक है। माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस माइनस प्लस फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, इज इट ओके, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या, एक्स माइनस थ्री आपका एक्स माइनस फाइव, ठीक है ना, एक्स माइनस थ्री एक्स कॉमन, ये एक्स ये माइनस और ये फाइव, सो दिस इज योर फैक्टर, इज या ठीक। क्वेश्चन नंबर फाइव इज होमवर्क फॉर यू, एट द लास्ट आई विल शो विच वन इज होमवर्क फॉर यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव इज होमवर्क फॉर यू, एट द लास्ट आई विल शो द योर बुक टेक्स्ट बुक, मैं बुक में शो कर दूंगा कौन सा होमवर्क है, ठीक है। नाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर सिक्स, एंड से दिस क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर सिक्स है, क्वेश्चन है माइनस वाई स्क्वायर प्लस थर्टी फाइव वाई प्लस वन फिफ्टी सिक्स। वन थिंग स्टूडेंट्स, अभी तक जितना भी हमने क्वेश्चन किया, देखो यहाँ पे क्या है,
एक्स स्क्वायर किस में है, पॉजिटिव पे। एक्स स्क्वायर किस में है, देखो वाला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर किस में है, पॉजिटिव पे। नाउ सी द थर्ड वन, एक्स स्क्वायर किस में है, पॉजिटिव पे। सी ऑल द क्वेश्चन, सी योर टेक्स्ट बुक, देखो टेक्स्ट बुक में ऑल द क्वेश्चंस, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, हियर ऑल्सो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव पे है। हियर ऑल्सो एक्स टर्म, वाई स्क्वायर टर्म पॉजिटिव, हियर ऑल्सो एक्स स्क्वायर टर्म पॉजिटिव, हियर ऑल्सो सिक्स एक्स स्क्वायर टर्म पॉजिटिव, हियर ऑल्सो 144 एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव टर्म पे है। बट इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, यहाँ पे वाई स्क्वायर किस टर्म पे है, साइन क्या है इसका, माइनस है। बाकी सब में देखो, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सेन एक्स स्क्वायर प्लस 14 वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर रूट 3 वाई स्क्वायर। बट इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, दैट्स वाई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन। देखो यहाँ माइनस है, तो सबसे पहला काम ये करेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट वे टू मेक वर्क इज मेक पॉजिटिव। इस वाई स्क्वायर को क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक है पॉलीनोमियल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक दिस वाई स्क्वायर मेक पॉजिटिव। क्या करेंगे, फर्स्ट वे टू मेक पॉजिटिव, माइनस रहेगा, इफ इट इज सब्ट्रैक्ट नो प्रॉब्लम, बट इफ वी विल मेक हियर पॉजिटिव देन इट विल इजली सॉल्व। सॉल्व तो वैसे भी हो जाएगा, इफ यू आर टेकिंग माइनस सॉल्व फिर भी हो जाएगा, बट इफ यू आर टेकिंग पॉजिटिव इट इज ईजी फॉर यू। तो सबसे पहले अपन वाई स्क्वायर को क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। तो वाई स्क्वायर पॉजिटिव करने के लिए देखो क्या करते हैं, देखो यहाँ माइनस वाई स्क्वायर प्लस 35 प्लस 156। तो सबसे पहले क्या करना, अपना पहला काम क्या है, फर्स्ट वे टू मेक दिस वाई स्क्वायर पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर मेक कॉमन, कॉमन ले लो, तो ये आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर। अब यहाँ से प्लस हटेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस, ये हो गया 35y, और यहाँ से प्लस रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 146। अब ये देखो पॉजिटिव हो गया। अब देखो माइनस प्लस माइनस सही है, माइनस माइनस प्लस इज इट करेक्ट, ऑल्सो करेक्ट, माइनस माइनस प्लस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे ये देखा हमने कि वाई स्क्वायर अब क्या हो गया, आपका पॉजिटिव हो गया। तो अब इस पॉजिटिव टर्म को अपन सॉल्व करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 35y माइनस 146, ठीक है। इस ब्रैकेट माइनस को अपन लास्ट पे देखेंगे क्या करेंगे। सो आफ्टर दिस क्या कर, कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो यहाँ पे ले लो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ए हियर, अब इसको रहने देना स्टूडेंट्स, इसको एज इट इज रहने दो, इसको लास्ट में अपन देखेंगे। व्हाट इज़ द वैल्यू ए हियर, 1, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू बी हियर, अब यहाँ देखो यहाँ भी वाई यहाँ भी वाई, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 35। और व्हाट इज़ द वैल्यू सी हियर, माइनस 156। यही तो करते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय सी, ए मल्टीप्लाई बाय सी करोगे तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 156, सो इट मेक्स माइनस 156, ठीक है। सो आफ्टर दैट यू हैव टू मेक एलसीएम, किसका एलसीएम हो गया, पॉजिटिव 156 का, टेक द एलसीएम, ठीक है, आ जाएगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, अगेन 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, अगेन 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब लास्ट में क्या होगा, 13, 13 और ये 1, ठीक है। तो आपका एलसीएम क्या क्या आ गया, 1 से ले लेते हैं, 1 2 2, ठीक है ना, 1 2 2 3 13, 3 और ये 13, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू मेक हियर, नाउ सी हियर क्या लेके आना अपने को, 35। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस 35y माइनस 156, ये तो क्वेश्चन है, और ये ब्रैकेट पे है, माइनस क्या लेके आना, 35y लेके आना। थोड़ा सा रफ यहाँ देख लो, वहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है तो यहाँ पे देख लेते हैं रफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, 1 2 2, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना ना, अब यहाँ देखो 35y है, अपने पास क्या है, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, देखो यहाँ पे 1 2 ज़ा 2, 2 ले देते हैं, ठीक है, 1 2 ज़ा 2, अब लास्ट 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 1 2 ज़ा 2 ले लिए, 2 ले लिए, 3 2 ज़ा 6, और 13 6 78, क्या आ जाता है, 13 6 क्या हो जाता है, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 6 13 ज़ा, और 13 6 ज़ा
78, तो 78। नाउ वी हैव टू ऐड दिस वन, 2 प्लस 78 80, क्या यहाँ पे 80 है क्या? नहीं है, लिख सकते हैं 2 माइनस 78 76, इज इट 76? नो इट इज, तो वी कांट टेक दिस वन। ठीक, नेक्स्ट लिखते हैं, 1 टू ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 4 लिख लो यहाँ पे, अब यहाँ पे देख, ठीक है, 1 टू ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, अब ये बचा 3 13 ज़ा, क्या होता है स्टूडेंट्स? 39। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 प्लस 39 हाउ मच इट मेक्स? इट मेक्स 43, तो यहाँ 43 है क्या? नहीं है। वेन यू टू सब्ट्रैक्ट 4 माइनस 39, तो यस 35, तो 4 माइनस 39 इट मेक्स वॉट? माइनस 35, सो वी टेक दिस वन। ठीक है, 4 माइनस 39 ले लो यहाँ पे, माइनस का माइनस एज इट इज रहने दो, y स्क्वायर ये लेंगे 4 माइनस 39, तो माइनस 4y माइनस 39y ठीक है, प्लस 4y माइनस 39, ठीक है, 4 माइनस 39 तो क्या आ जाएगा 35, और यहाँ पर क्या है माइनस 156। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये माइनस को एज इट इज रहने दो। अब यहाँ देखो व्हाट इज द कॉमन हियर, हियर ऑफ वाई स्क्वायर ऑल्सो वाई, मेक वाई कॉमन, वाई प्लस 4, ठीक है, वाई प्लस 4। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, वाई प्लस 4 आ गया यहाँ पे, वाई प्लस 4, आफ्टर व्हाट आई एम सेइंग हियर, जैसे बोले यहाँ पे वाई प्लस 4, तो यहाँ भी आप क्या लिख दोगे? वाई प्लस 4 एज इट इज आप लिख दो, वाई प्लस 4। ए यार ये पेज, जस्ट अ सेकंड, वेट स्टूडेंट, अब ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे भी y प्लस 4, सो आई एम राइटिंग हियर y प्लस 4। आफ्टर इट नाउ सी हियर व्हाट वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस y, इट मेक्स माइनस 39। y पे क्या मल्टीप्लाई करूँगा कि माइनस 39 हो जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, माइनस 39 यू हैव टू मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस 39 इंटू वाई माइनस 39, माइनस प्लस माइनस, माइनस 39 वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 4, विल गेट 156। इज इट क्लियर? ये माइनस एज इट इज रहने दो ना, यर वाई प्लस 4, यर ऑल्सो वाई प्लस 4, तो वाई प्लस 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस वाई, और यहाँ पे माइनस 39, आपका ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? व्हाट इज द लास्ट आंसर? तो आपका क्या गया यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, माइनस वाई प्लस 4, यर गेट वाई माइनस 39, सो दिस इज योर आंसर। सेम प्रोसीजर वही था, ठीक है, आई होप यू टू अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेक केयरफुल अबाउट दिस, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो फर्स्ट यू हैव टू मेक प्लस, ठीक है, बस इतना ध्यान देना और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन में आपको प्लस प्लस ही मिलेगा, बट इन दिस क्वेश्चन, दिस एक्सेप्शनल क्वेश्चन है थोड़ा सा ये, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो आपको फर्स्ट का पहला काम क्या रहेगा? फर्स्ट यू हैव टू मेक पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव करने के बाद सेम थिंग विल डू एज अ प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोलता है? 7x² - 2x - 5, ठीक है, सेम यू आर स्प्लिटिंग द वेल टर्म, तो क्या करेंगे? कंपेयर कर लेंगे, किससे कंपेयर करेंगे? कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c, ठीक है, सो व्हाट इज वैल्यू ए हियर, यहाँ पे x² यहाँ पे x², तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। व्हाट इज वैल्यू बी, यहाँ x, हियर x, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2, एंड व्हाट इज वैल्यू सी, यहाँ पे आएगा -5। ठीक है, आफ्टर दैट ए मल्टीप्लाई बाय सी, व्हाट इज ए? 7, और यहाँ पे -5, तो -7 × 5 = 35, ठीक है, -35। यहाँ तक यू हैव टू आफ्टर टेक, यू हैव टू टेक द एलसीएम, पॉजिटिव टेक पॉजिटिव एलसीएम ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा 300, तो जाएगा नहीं 5 से, 5 × 7 = 35, 7 × 7 ईजी है स्टूडेंट। देखो तो आपका एलसीएम क्या क्या आ गया, फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 1, 5, 7, ठीक है, यहाँ तक आ गया। आफ्टर दैट अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आपका, 7x² - 2x - 5, यहाँ तक हो गया। आफ्टर दैट देखो 1, 5 = 5, ठीक है, 1, 5 = 5, और यहाँ पे 7 एज इट इज रहे दो, 1, 5 = 5, ये 7, तो 5 - 7 यस 8 इज मेक्स 2, ठीक है 2 देगा, क्या लिख लो 7x² तो क्या लिखोगे?
फाइव माइनस सेवन तो इट मेक्स माइनस टू, फाइव माइनस सेवन क्या लिख दो, प्लस फाइव एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस फाइव, ठीक है ना, फाइव एक्स माइनस सेवन एक्स, फाइव एक्स माइनस सेवन एक्स इट मेक माइनस टू एक्स। सो आफ्टर टेकिंग एलसीएम, दोनों में एलसीएम क्या सेम दिख रहा है, एक्स और एक्स, और कुछ सेम है, नथिंग विल बी सेम हियर, नहीं ऐसे यहाँ पे एक्स और एक्स, तो यहाँ पे क्या ले लोगे, एक्स कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा सेवन एक्स प्लस फाइव। आफ्टर दैट सेवन एक्स प्लस फाइव सेम एज इट इज़ यू हैव टू राइट हियर, सेवन एक्स प्लस फाइव सेम एज इट इज़ यू हैव टू राइट हियर, लिख दिए। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय दिस सेवन, सो विल गेट माइनस सेवन, तो ऑब्वियस स्टूडेंट्स क्या मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन इंटू सेवन एक्स माइनस सेवन एक्स, माइनस प्लस माइनस वन इंटू फाइव फाइव, ठीक है एकदम सही है, ठीक है, सेवन एक्स प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव यू हैव टू मेक कॉमन, और बचा क्या आपके पास x, और यहाँ पे माइनस वन, सो दिस इज योर फैक्टर, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, क्लियर है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर एट एंड क्वेश्चन नंबर नाइन यू आर सॉल्व बाय योरसेल्फ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट एंड क्वेश्चन नंबर नाइन। नाउ सी दिस, मैं लिख दिया हूँ, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस टू फोर एक्स प्लस ट्वेल्व, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए हियर, ट्वेल्व, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस ट्वेंटी फोर एंड सी की वैल्यू क्या हो जाएगी ट्वेल्व, तो आफ्टर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई इनटू मल्टीप्लाई सी, ट्वेल्व मल्टीप्लाई ट्वेल्व तो क्या आ जाएगा वन फोर्टी फोर, देन यू टेक द एलसीएम, टू सेवन जो फोर्टीन, टू टू जो फोर, टू थ्री जो सिक्स, टू सिक्स जो ट्वेल्व, टू वन जो टू, टू एट जो सिक्सटीन, टू नाइन जो एटीन, थ्री थ्री जो नाइन, थ्री वन जो थ्री, तो इसका फैक्टर क्या आ गया, या फिर आप बोल सकते हो एलसीएम क्या क्या आ गया आपका इसका, टू वन से लेते हैं, वन टू टू, वन टू थ्री फोर, थ्री फोर, और यहाँ पे क्या थ्री थ्री, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर एट, मैं करवा दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर एट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन आप खुद से करना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एट में, अब यहाँ पे देखो अच्छे से समझना इसको, वन टू ज़ा टू, चलो उसको ले लेते हैं वन टू ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, वन टू ज़ा टू हो गया यहाँ पे, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, एट थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर इंटू थ्री क्या हो जाएगा, ट्वेंटी फोर इंटू थ्री, फोर टू ज़ा ट्वेल्व, वन सेवेंटी टू, ठीक है ना, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, एट थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर इंटू थ्री आपका क्या आ गया सेवेंटी टू, नाउ सेवेंटी हैड टू राइट सेवेंटी टू, एट दिस वन, टू प्लस सेवेंटी टू सेवेंटी फोर, क्या यहाँ पे सेवेंटी फोर है, स्प्लिट इन द मिडल, क्या यहाँ पे सेवेंटी फोर है, नहीं है, नहीं है ना ट्वेंटी फोर, सब्ट्रैक्ट दिस वन, टू माइनस सेवेंटी टू सेवेंटी, यहाँ पे सेवेंटी एट है, नहीं है, तो वी कांट राइट दिस वन, तो ये तो नहीं लेंगे अपन। अब अगेन देखो, वन टू ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, यहाँ लिख दो फोर, अब देखो यहाँ पे यहाँ तक हो गया, वन टू ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, यहाँ से देखो टू टू ज़ा फोर, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री ज़ा थर्टी सिक्स, ठीक है, ट्वेल्व थ्री ज़ा थर्टी सिक्स। अब यहाँ पे देखो करके देखो, फोर ऐड कर लो पहले, फोर प्लस थर्टी सिक्स फोर्टी, क्या यहाँ पे फोर्टी है, नहीं है फोर्टी, फोर माइनस थर्टी सिक्स थर्टी टू, क्या यहाँ पे थर्टी टू है, नहीं है, सो वी कांट टेक दिस ऑल्सो। अब लेते हो एक्स्ट्रा देखो, यहाँ पे वन टू ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, यहाँ लिख दो एट, ठीक है, वन टू ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, यहाँ लिख दो एट, थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री टू ज़ा सिक्स, सिक्स थ्री ज़ा एटीन, हो रहा है क्या एटीन करके, 18 प्लस 8, 18 प्लस 8 ऐड करो तो ये आपका आ जाएगा 26, 18 माइनस 8 तो क्या आ जाएगा 10, 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 18 प्लस 18 88 16 1 तो ये आ जाएगा 26, यहाँ 26 है क्या, नहीं है, तो 24 है, तो नहीं ले सकते, 18 प्लस 18 माइनस 8 तो क्या आ जाएगा 10, क्या यहाँ पे 10 है, वी कांट टेक दिस ऑल्सो। आगे देखते हैं फिर, 1 टू ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 यहाँ पे, 3 3 ज़ा 9, 16 प्लस 9 आ रहा है क्या,
16 प्लस 9 25 है यहाँ पे, यहाँ तो 24 है, सो वी कांट टेक दिस वन। 16 माइनस 9 वो भी नहीं आएगा, 24 तो आएगा ही नहीं आएगा, सो वी कांट टेक दिस वन। सो हाउ वी आर टू टेक दिस वन, कैसे करें उसके लिए? अब थोड़ा मिक्स करेंगे, देखो मिक्स कैसे करेंगे, ऐसा करने से तो हुआ नहीं, हुआ क्या, नहीं आया किसी में कुछ आ रहा है, 24 आ रहा है, 26 आ रहा है, अपने को क्या चाहिए, 24 चाहिए, तो इसके लिए करें तो करें क्या, कैसे करेंगे? हाउ वी टू मेक सिस्टम, कैसे करें इसको, देखो अब थोड़ा मिक्स करते हैं, देखो 1 2 2 2 2 4, देखो क्या क्या आपके पास, 1 2 2 2 2 3 3, अभी ऐसा किया, ऐसा करते गया करते गया, ऐसा कुछ तो नहीं आया, अब थोड़ा मिक्स करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा मिक्स करने में देखते हैं, 1 2 2 2 2 4 यहाँ तक हो गया, 1 2 2 2 2 4, अब मैं यहाँ देख ले रहा हूँ 4 3 12, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं से भी ले सकते हैं, अपन सीरीज से ले रहे थे, सीरीज तो हुआ नहीं, फैक्टर है, कहीं से भी ले लो, 1 2 2 2 2 4 4 3 12, ये 12 ठीक, अरे यहाँ देखो 2 2 4 4 3 12, यस 12, एंड नाउ वी हैव टू ऐड दिस वन, 12 प्लस 12 क्या आ गया, 24, ऐड करने से क्या आ जा रहा है, 24, इज इट करेक्ट? सो विच वी हैव टू टेक दिस वन, क्या लोगे 12 प्लस, यहाँ क्या लोगे 12 प्लस 12, और वे 12 प्लस 12 लोगे 24, और वे तो एक -12 -12, यस वी हैव टू मेक दिस वन -12 -12, क्लियर हुआ कैसे करना है? सो देखो स्टूडेंट, अगर ऐसा नहीं होगा तो आप मिक्स करके भी देखना है, अपन सीरीज वाइज देखिए, 1 2 2 2 2 2 4 4 2 8 8 24 24 2 72, नहीं हुआ, फिर ये देखिए 1 2 2 2 2 4 2 2 4 4 3 12 12 3 36, इससे भी नहीं हुआ, फिर ऐसे करते गए, आफ्टर दैट अगर ऐसा सीरीज से नहीं हो रहा है तो यू हैव टू मिक्स, यहाँ मिक्स जैसे किए तो आंसर आ गया आपका 1 2 2 2 2 4 4 3 12, बचा क्या 3 2 6 6 2 12 12 प्लस 12, क्या हो जाएगा 24, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, तो आपका स्प्लिटिंग क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख लेता हूँ मैं, 12x² - 24x + 12, यही तो था ठीक, सो हाउ वी हैव टू राइट हियर, 12x² - 12x - 12x + 12, इट इज़ ओके ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, हियर ऑल्सो एक्स, हियर ऑल्सो एक्स, तो ठीक कॉमन 12x, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 1, करके देखो 12x × x 12x² - (12x × 1 = 12x), सो इसके बाद क्या लिखते हैं, सीधा सीधा लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, x - 1, ये तो राइट x - 1, सीधा सीधा लिख दो x - 1। नाउ सी हियर व्हाट वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस x, सो विल गेट -12 - 12x, ऑब्वियस स्टूडेंट्स क्या करूँगा मल्टीप्लाई -12, अब करके देखो -12 × x - 12x, -12 + 12 = 12, बहुत सही है, वॉट इज़ अ कॉमन हियर, x - 1 x - 1 कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा 12x - 12, सो या तो ऐसा लिख लो और दिस इज़ योर आंसर, और यू टू राइट x - 1, अभी यहाँ देखो कॉमन क्या देख रहे हैं, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, तो मेक कॉमन, यहाँ आ जाएगा x - 1 ठीक है ना, 12 × x 12 = 12, तो अदर यू टू राइट दिस वन, यहाँ से लिख लो 12x - 1, और ये आपका x - 1, सो दिस इज योर आंसर, या फिर आप उसको ऐसा ले सकते हो 12 × x - 1² ऐसा लिख सकते हो, सो दिस इज आंसर, दिस इज ऑल्सो आंसर, दिस इज ऑल्सो आंसर, एज यू विश योर टू राइट ठीक है, आपको जैसा मन करे आप वैसा लिख लो ठीक है, ऐसा लिख लेना दिस इज आंसर ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द टुडेज क्लास, सो आज यहीं तक करते हैं, इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस न्यू थिंग, यही एक्सरसाइज अपन आगे बढ़ाएंगे ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8 एंड होमवर्क देख लो स्टूडेंट्स, जस्ट वेट, सो स्टूडेंट दिस क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज होमवर्क फॉर यू 3 और 5, और एक काम करो 9 भी कर लो ठीक है, सो दिस 3 क्वेश्चन आर होमवर्क फॉर यू 5, 3 एंड 9 ओके।
इज देयर एनी डाउट देन आस्क. टुमारो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12. सो इज देयर एनी डाउट देन आस्क. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. And those students still not see the previous video, first see the previous video, then you have to see this video. And students, write in your fair copy. Okay, जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, write in your fair copy. जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे सीरीज में आपको लिखना है कॉपी पे. ठीक है? Okay students, thanks to all of you.